भारतवर्ष में जिस तरीके से कोरोना महामारी का रूप ले चुका है, तो वहीं दूसरी ओर सभी प्रदेशों को लॉकडाउन कर दिया गया है। वहीं इस लॉकडाउन की वजह से काफी लोग हताश व परेशान नजर आ रहे हैं। इसको लेकर के प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन लगातार लोगों के लिए कार्य करती नजर आ रही है। तो वहीं कुछ ऐसे भी श्रमिक व दिहाड़ी मजदूर हैं जो कि उचित मात्रा में भोजन न मिलने की वजह से व उचित संसाधन न मिलने की वजह से पैदल ही अपने घर की ओर जाने को आमादा हो गए हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला राजधानी लखनऊ का है, जहाँ लखनऊ के दुबग्गा स्थित एक श्रमिक परिवार रहता था, जो कि उचित भोजन न मिलने की वजह से पैदल ही अपने घर गोरखपुर निकलने पर मजबूर हो गया। वहीं जब ONN न्यूज की टीम ने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि जिस तरीके से लॉकडाउन जैसी स्थिति में पूरा लखनऊ है, तो वहीं खाने व कमाने की काफी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं, जिसकी वजह से हम लोग पूरा परिवार पैदल ही लखनऊ से गोरखपुर तक का सफर तय करेंगे। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से सभी श्रमिकों को घर भेजने की कवायद भी शुरू हो गई है, लेकिन उचित मात्रा में दस्तावेज न होने की वजह से लोगों के हाथ अभी भी खाली ही नजर आ रहे हैं। वहीं अब देखने वाली बात इस मामले पर होती है कि जिस तरीके से प्रदेश सरकार लगातार नीतियां बनाती है, उस तरीके से उन नीतियों पर कितना उनके मार्फत कार्य करेंगे या फिर स्थिति जैसी ही वैसी बनी रहेगी। एक तरफ जहां योगी सरकार लगातार श्रमिकों को अब उनके घर पहुंचाने की कवायद में जुटी हुई है, वहीं लगातार जो चाइल्ड लेबर की खबरें हैं वो लगातार सामने आती रही हैं। हालांकि उन चाइल्ड लेबरों की खबरों पर सरकार की ओर से प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे अभी भी चाइल्ड लेबर की ओर हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि वो इस चिलचिलाती धूप में जो लखनऊ से सफ़र उन्होंने शुरू किया, उनका सफ़र कहाँ जा कर के ख़त्म होगा और क्या कुछ समस्या है जिसको लेकर के वो ही पैदल ही अपने घर की ओर शुरू हो गए हैं चलने को। ये क्या नाम है आपका और कहाँ से आप आ रहे हो, कहाँ को जाएंगे? सर हम लोग, मेरा नाम अमन है सर, हम लोग लखनऊ से सर गोरखपुर जा रहे हैं। क्या क्या समस्या है, क्यों जा रहे हैं? लखनऊ में तो जो है खाने की जो है तमाम प्रयास करे गए हैं सरकार की ओर से, लेकिन फिर भी आप लोग क्यों जा रहे हैं? सर एक एक लोग के लिए सर खाना आता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अब घर चलो, फायदा क्या मिलेगा तो है नहीं, लाइन से लगते हैं, एक एक लोग का खाना मिलता क्या, इतने लोग खाएंगे जी, इतने ही लोग हैं हम लोग। जिस तरीके से लगातार लोग है वो खाने के लिए परेशान है, हमारे साथ कुछ अन्य लोग भी हैं जो कि शायद महिला है, उनसे भी हम जानेंगे कि किस तरीके की समस्या है, क्योंकि लगातार सरकार की ओर से ये अथक प्रयास करे जा रहे हैं कि लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन दिया जाए, लेकिन फिर भी अगर भोजन नहीं मिल रहा तो किस तरीके की समस्याएँ उठानी पड़ रही। कहाँ से आप आई हैं और कहाँ की ओर जा रही हैं? हम लोग भी दुबग्गे से, हम पूरे फैमिली हैं और गोरखपुर जाना चाहते हैं, महाराजगंज जिला। और क्या कहते हैं, हम लोग खाना जो लड़का बताए ये सही बात है, फिर हम लोग देखते देखते अब रेलवे चलेगा या बस चलेगा तो हम लोग पैदल निकल लिए हैं। सरकार की ओर से लगातार एक बस भी चलाई गई श्रमिक स्पेशल, तो आप लोगों ने क्या चारबाग की ओर नहीं जाने को सोचा या किसी अधिकारी से नहीं बात करने को सोचा कि वो आपकी मदद कुछ हल करें, या किससे आप लोगों की बात हुई इससे? किसी से बात नहीं हुई सर, हम लोग ऐसे निकल लिए, हम लोग कहें जो हाईवे पर चलेंगे तो कोई भी सवारी मिल जाएगा, अपने घर की तरफ चले जाएंगे। जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि श्रमिक स्पेशल एक ट्रेन चली है, उसके लिए सरकार की ओर से कई मापदंड निकाले गए, उनके अनुसार जो श्रमिक हैं उनको उनके घर तक भेजा जा रहा है, तो उस तरीके से आप जनता से ये अपील, जनता के जो जनता है उनके लिए ये बताई जा रही है, तो आप चारबाग की ओर जाएं, वहां से आपको किसी न किसी तरीके की मदद दी जाएगी। लखनऊ से रवि के साथ अमन प्रधान।